मिट्टी के प्याली में जो चाय पीता है उस स्वादिष्ट ज़्यादा, और डिस्टर्बल में वो खराब लगता है। शीशा वाला गिलास तो आजकल कोई धोता नहीं है बढ़िया से, तो यहाँ प्याली में देते हैं, सब आदमी के ग्राहक यहाँ पहुँच जाता है और चाय स्वादिष्ट होता है एवं चाय अच्छी है, दूर दूर से आदमी आके पीता है। मिट्टी का कप जल्दी बाजार में मिलता नहीं है, कुम्हार लोग का धंधा बंद है, उन लोग तो देता नहीं जल्दी। प्लास्टिक कप जल्दी मिल जाता है इसलिए प्लास्टिक कप चलाते हैं, और मट्टी का प्याली को सीजन बाय मिलता नहीं है, बरसात में बंद हो जाता है जिसके कारण दिक्कत होता है। मट्टी का कप स्टॉक रखने से फूट भी जाता है इसलिए प्लास्टिक कप चलाना पड़ता है, मजबूरी है। क्या आपको पता है इससे पर्यावरण दूषित होता है? वो तो पता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है ये प्लास्टिक कप, लेकिन क्या करें, दुकानदारी भी चलाना है। धनबाद जिला बागमारा प्रखंड सिंगड़ा गांव में 300 कुम्हार समुदाय के लोग रहते हैं। उनमें से 35 वर्ष के खेदन कुम्हार हैं, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाते और उसे बेचकर गुजर बसर करते आ रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आधुनिक युग में उनके रोजी रोटी पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी खेतों से लाते हैं साइकिल से, फिर क्या क्या करते हैं? उसका ला के उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है पानी में छोटा छोटा करके पानी में डालते हैं, पानी हिसाब से देना पड़ता है उसको, मिट्टी को गूंद के फिर चक्का में डालते हैं और फिर बनाते हैं। उसके बाद बर्तन बनाने के बाद उसको फिर पिटाई होता है बर्तन का बड़ा होने के लिए, फिर उसको सूखने में कितना दिन टाइम लगता है? वही कम से कम 4-5-6 रोज, 10-15 दिन के बाद जलाते हैं, उसके बाद बेचने के लिए ले जाते हैं। बरसात में थोड़ा बहुत माल स्टोर करके रख देते हैं, वही बेचते हैं पूरा बरसात। इतिहास है सब चीज़ का, इतिहास है कि पुराना जमाना जो चलता है ना, वो चलते है, बंद नहीं है, लेकिन जो पहले जैसा बिक्री नहीं है, जितना होना चाहिए रेट उतना नहीं मिलता। महीने में वही लगभग 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कितना देर काम करना पड़ता है आपको? करीब 6 से 6 घंटा, मतलब लिमिट ही नहीं है, 13-14 घंटा काम करना होता। दूसरा काम मिलता कहाँ है? माँ अभी एक है, मेरा बीबी और हम लोग 2 आदमी, बच्चे मेरा 3 है। घड़ा का जैसे रेट हुआ अभी, जैसे मार्केट में बिक रहा है, दुकान में बिक रहा है 70 रुपया, तो हम लोग 40 रुपये बेचते हैं। हाजिरी काम भी वैसा मजदूरी नहीं मिलता, 5 दिन काम होता है तो 1 महीना नहीं होता, तो क्या करें, यही काम करना पड़ता। आप लोग को सरकार तरफ से कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। कभी मांग की है? मांग बहुत बार की है, कभी नहीं दिया। क्या मांग की है? कि हम लोग लोन दीजिए, इस संस्था में हम लोग ये काम करते हैं इसके हिसाब से हमको लोन दीजिए, लेकिन सरकार नहीं लोन दिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि हमें मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। सरकार को भी मिट्टी के बर्तनों का बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और उनका रोजी रोटी भी उससे जुड़ा रहे। मैं भारती, धनबाद झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।